टैंकर व रोडवेज बस की हुई भिड़ंत, एक की मौत, 25 घायल। घायलों को उपचार के लिए कराया गया भर्ती। मौके पर मची अफरा तफरी, जिला अस्पताल में मचा कोहराम। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सड़क मार्ग पर दोपहर 3 बजे के लगभग रोडवेज बस और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इसी से हम आपको बता दें कि घटना बांसवाड़ा से बस जा रही थी रोडवेज, जो कि ट्रेलर से, जिसकी भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत में बस में सवार करीब 25 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक यात्री की मौत हो गई है। घटना बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सड़क मार्ग अमली घाटी के पास में हुई है। यह बस प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जा रही थी कि अमली घाटी के पास में ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायलों के परिजन वहां पर पहुंचे हैं और अस्पताल में कोहराम मचा हुआ नजर आया। जो ज्यादा गंभीर घायल हुए हैं, उनका जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। इस दौरान एक ने दम भी तोड़ दिया, जबकि 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, SDM राजेश नायक घटना स्थल पर जानकारी लेने पहुंचे हैं। हादसे में घायल हुए भवर सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी एकरोया की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि भवर सिंह मौसी की शादी में प्रतापगढ़ जा रहा था। भवर बांसवाड़ा एक फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था। इसी के साथ ही अन्य घायलों का भी जिला अस्पताल में उपचार जारी है।